और आज हम क्या करने वाले हैं? बुलबुल ऐसा बुलबुल है हमारे पास। बुलबुल ये नेटफ्लिक्स की मूवी है। ट्रेलर हम लोग और सबसे मशहूर इनका पाताल लोक, जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी लेकिन हुई है, लेकिन बहुत मशहूर हुआ है पाताल लोक। इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस वेब सीरीज जो मतलब इतनी ज्यादा हुई थी रिसेंटली। आई एम नॉट सीन इट। बहुत अच्छा है, मस्ट वॉच। एनएच टेन देखी ही मैंने, लेकिन ये वेब सीरीज पाताल लोक तो बिल्कुल डिफरेंट है। वो पता नहीं कौन-कौन से कैरेक्टर आर्टिस्ट लेकर आए, उनको इतना बड़ा स्टार बना दिया उसमें। इट वाज दैट गुड, बहुत ब्रूटल था वो। देखना पड़ेगा कि तारीफ कर रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा है, इट्स रियली गुड। और अभी बुलबुल आया, बुलबुल में उसमें राहुल बोस वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट एक्टर्स, बहुत कम आते बट लेकिन बहुत आउटस्टैंडिंग एक्टिंग करते हैं। अविनाश तिवारी और तृप्ति भी है। Hopefully it's over. Start करते हैं। कहानी सुनोगी? मजाकनी कहानी है। ये हॉरर लग रही मुझे तो। परी है ना? हाँ। समय पहले की बात है। एक चुड़ैल थी। पेड़ों पे रहती थी। उल्टे पैर थे उसके। उनकी प्यासी थी। वो कौन है जिससे मेरी शादी हुई थी? वो तो हम नहीं, वो तो मेरे जितना था। तो राहुल बोस का नाम सत्या था। हमें नहीं करनी शादी वादी। सब करते हैं। साधु नहीं करते, बॉल नहीं करते, उल्लू नहीं करते। आप खुश नहीं हो? उन्हें कौन समझाए बुलबुल को तो बस सत्या चाहिए। मुझे यहाँ के लिए डर लगता है। चल जाते हैं। नहीं तो 5 सालों में कितना कुछ बदल गया ना भाभी। क्या हो गया? पूजो के दिन खा गई चुड़ैल महेंद्र को। इंसान है, हाथ भी है। किसी को देखा? कुछ सुना? नहीं। बड़ी हवेलियों में बड़े राज होते हैं। ऐसा कुछ जो समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझना भी है हमको और डर भी लग रहा है, बिल्कुल मिक्स था। और मुझे ऐसी चीजें लग रही है, एक तो अनुष्का शर्मा है ना, बिल्कुल यूनिक कंटेंट प्रोड्यूस कर रही है। जो मतलब आप कन्वेंशनल फिल्मों में नहीं देखते। एनएच10 वाज टोटली डिफरेंट एंड इट वाज ब्रूटल। बहुत मजेदार फिल्म थी। परी भी बिल्कुल डिफरेंट थी, अलग ही टाइप की उसने हॉरर बनाई। पाताल लोक तो था ही बिल्कुल अलग। तो अच्छा है और इस तरह की चीजें लोग बना रहे हैं और नेटफ्लिक्स और अमेज़न जैसी चीजें आ गई हैं, इसकी वजह से अब आ सकता है। अच्छा हम वो देखते कर बोर हो गए लव स्टोरी या जब से पैदा हुए हैं अब तक लव स्टोरी देखी है, वो स्टोरी पे कैसे डाला जा रहा है। अब कुछ नया दिखते हैं ना तो लाइक ऐसे एक्सप्रेशन चेंज होते हैं हमारे। वाओ, एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। पता चलता है इस तरह की स्टोरी होती है, ऐसा थॉट प्रोसेस भी है इनके पास। इस वजह से ही नेटफ्लिक्स इतना ज्यादा ऊंचा होता जा रहा है कि ऐसी स्टोरीज लेकर आ रहे हैं और लोग देखते हैं और पसंद कर रहे हैं उसको और वो हिट भी जा रही है। तो इसी वजह से जो ये रीजंस होते हैं ना कि नेटफ्लिक्स लोग ज्यादा देखना पसंद करते हैं रादर देन कोई और मूवीज जैसी होती हैं जो उसको देखना ज्यादा पसंद करते हैं। वैसे ये आ कभी 24th ऑफ
बहुत मजा आया और हम देखेंगे और हम बताएंगे कैसा रहा ये हमें मूवी. सो गाइस आपको भी हमें हमारा रिएक्शन पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. तब तक के लिए.